अभी इस संस्था के चेयरमैन बन गए हैं और हमारी बॉडी यहाँ पर नेमनुक हो गई है, ऑथराइज बॉडी हमारी नेमनुक हो गई है, उसके हिसाब से हम कामकाज करने के लिए आए थे। झीरो न्यूजच्या बातमीपत्रामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत। ATU चांदसुलतान हायस्कूलमध्ये ताबेदारीसाठी दुसरा गट चांदसुलतानामध्ये दाखल। अहमदनगर शहरात ATU चांदसुलतान हायस्कूलवर 2 गटाने दावेदारी दाखल केली आहे। एका गटाने आपला चेअरमन नियुक्त करून कारभार सुरू केला आहे। अहमदनगर शहरातील चांदसुलतान हायस्कूलवर धर्मदाय आयुक्तांनी घोषित केल्याचा दावा दुसऱ्या गटाने केला आहे। या गटाचे चेअरमन म्हणून नियुक्त केलेले सय्यद मतीन अब्दुल रहीम व त्याचे सहकारी चांदसुलतान हायस्कूलमध्ये आज संस्थेचा ताबा घेण्यासाठी दाखल झाले होते, परंतु हायस्कूलमध्ये ताबा देण्यासाठी कोणतीही जबाबदारी व्यक्ती नसल्याकारणाने ते शाळेच्या नोटीस बोर्डावर नोटीस चिटकून परतले। मागील काही दिवसापूर्वी ATU चांदसुलतान हायस्कूलच्या चेअरमनपदी आर्किटेक्ट अर्षद शेख यांची नियुक्तीचा कार्यक्रम चांदसुलतान हायस्कूलमध्ये संपन्न झाला होता। याच दिवशी सय्यद मतीन अब्दुल रहीम यांनीही चांदसुला हायस्कूलच्या ट्रस्टवर आपल्या चेअरमन पदाची दावेदारी केली होती। सय्यद मतीन व त्यांचे नवीन विश्वस्तांना धर्मदाय आयुक्तांनी घोषित केल्याचा दावा त्यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केला। चांदसुलतान हायस्कूलचे चेअरमन कोण हे पाहणे नगरकरांसाठी उत्सुकतेचा विषय बनला आहे, ऐकूया। बोली आज काय केली आहे ते आपल्या इस संस्था के चेयरमैन बन गए हैं, हमारी बॉडी यहाँ पर नेमनुक हो गई है, ऑथराइज बॉडी हमारी नेमनुक हो गई है, उसके हिसाब से हम कामकाज करने के लिए आए थे संस्थे को। और यहाँ पर जो हमारा संस्थे का ऑफिस है पुराना, वहाँ गए थे। तो अभी यहाँ ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पर ऑफिस नहीं है, यहाँ पर का ऑफिस ZM टावर औरंगाबाद रोड पे शिफ्ट हुआ। कब शिफ्ट हुआ ये नहीं बता सकते। कौन चेयरमैन है इसका नाम स्वयं घोषित, स्वयं घोषित चेयरमैन कौन है उसका भी नाम नहीं बता रहे। अभी उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि हमारा कोई कागज़ नहीं लेना, हमको कोई कोऑपरेशन नहीं करना, यहाँ कोई टीचर नहीं ठहरना सिवाय सुपरविजन स्टाफ जो एग्ज़ाम चल रहे उसके वास्ते। वो उन सब टीचरों को सब यहाँ स्कूल में से बाहर जाने के लिए बोल, जिसको हमने लेटर देने के लिए रिसीट लेने के लिए कहा वो है सुपरवाइजर इंचार्ज, उसको हमने बोले तुम रिसीट ले हो, उसकी रिसीट दो ये लेटर की, तो वो बोले मेरे को हुक्म नहीं। हमारे चेयरमैन साहब ने बोले आप कोई लेटर लेना नहीं और कोई रिसीट देना नहीं। और हमने उनको पूछे आपके चेयरमैन साहब कौन किन्होंने बोला जी किनका नाम बोलते हैं, तो बोले वहाँ जाके पूछो, बोले यार उनके ऑफिस में जाके पूछो, हम नहीं लेंगे यहाँ। तो इसलिए अभी हम एग्ज़ाम चालू है तो हम टीचर्स रूम में बैठकर सब कागज़ पत्र की कार्रवाई किए, यहाँ पर ये नोटिस बोर्ड पे हमारी जो है वो लेटर लगा के अभी हम पीसफुली हम अभी बाहर गए। झीरो न्यूज म्हणजे सर्वसामान्यांची आवाज, तर चला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। झीरो न्यूज अहमदनगर।